हे दोस्तों, YouTube पे बहुत ही कम ऐसे वीडियोस हैं जिनमें अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की डीलरशिप और रिटेलरशिप के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बात की गई हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आप डीलरशिप और रिटेलरशिप किस तरीके से ले सकते हो, क्या क्या स्टेप होते हैं, कितना एरिया होना चाहिए डीलरशिप और रिटेलरशिप लेने के लिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कैसे करोगे कंपनी से, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए आपके पास और प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। पहला पॉइंट हमारा है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का इंट्रोडक्शन। तो यार देखो, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप के मुख्य सीमेंट कंपनी है जिसके चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिरला जी हैं। ये ग्रे सीमेंट, व्हाइट सीमेंट और रेडी मिक्स कंक्रीट का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। यह दुनिया की चौथी तथा भारत की पहली सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी है। यहाँ अपने भारत में ही नहीं बल्कि यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहरीन जैसे देशों में भी कंपनी का व्यवसाय संचालक फैला हुआ है। अपने प्यारे भारत में अल्ट्राटेक सीमेंट के 1 लाख से अधिक चैनल पार्टनर का नेटवर्क है, यानी 1 लाख प्लस डीलर और रिटेलर इनसे जुड़े हैं दोस्तों। इसलिए पूरे भारत में इस कंपनी का 80% से अधिक मार्केट रीच है। तो देखो, कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल में नया वीडियो लाऊंगा। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, आप उस पर क्लिक करके जाके कंपनी के बारे में और डिटेल पढ़ सकते हो। तो अब हम अपना दूसरा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि कितना जगह होना चाहिए अगर आप डीलरशिप या रिटेलरशिप ले रहे हो अल्ट्राटेक सीमेंट की। तो देखो यार, उससे पहले ये जान लो, चाहे आप गाँव में शुरू करो चाहे आप शहर में शुरू करो ये बिज़नेस डीलरशिप या रिटेलरशिप का, तो आपके पास एक गोडाउन होना चाहिए। गोडाउन अगर आप रिटेलरशिप ले रहे हो तो 200 स्क्वायर फीट मिनिमम होना ही होना चाहिए। अगर आप डीलरशिप ले रहे हो तो आपके पास 400 स्क्वायर फीट होना चाहिए। डीलरशिप और रिटेलरशिप में क्या अंतर है, इस पे वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है यार, जाके ये वाला वीडियो देखो, हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है। अब हमने तो गोडाउन बना लिया, अब हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से हमारे पास होने चाहिए। तो देखो यार, आपके पास एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, पैन कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, जीएसटी की फोटोकॉपी होनी चाहिए, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए बैंक अकाउंट का आपके, और बैंक कंसल्ट लेटर होना चाहिए। आप बैंक में जाओ, कहो 6 महीने का हमारा स्टेटमेंट निकाल दो, वो निकाल देगा, और आप बताओ कि हमें अल्ट्राटेक सीमेंट की डीलरशिप लेनी है तो हमें एक कंसल्ट लेटर निकाल के दे दो, तो वो भी दे देगा। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और आपके पास 2 चेक होने चाहिए, एक कैंसिल चेक रहेगा और एक आपका सादा चेक रहेगा जिसमें कंपनी वाले आपसे सिग्नेचर करा लेंगे। और हमारे पास जो रिटेलरशिप प्रोसेस है उसमें चेक नहीं लगता ज़्यादातर केसेस में, बस डीडी लगता है वो 15,000 का, तो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आपके पास एक लेटर पैड होने चाहिए और शॉप की इमेज, तो कंपनी वाला जो आएगा वो शॉप की इमेज खींच लेगा, तो इसमें डॉक्यूमेंट में आपकी शॉप वाले इमेज वाले में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो कंपनी के ऊपर रहेगा, कंपनी का मेम्बर आपकी शॉप की इमेज खींच लेगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमने गोडाउन तो बना लिया, हमने डॉक्यूमेंट भी रेडी कर लिया, अब हम कंपनी से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। तो कॉन्टैक्ट 2 तरीके से कर सकते हो, एक है डायरेक्ट ऑफलाइन तरीके से, आप कॉल करो, आप ऑफलाइन बुला लो उनको, एक ऑनलाइन तरीके से आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे हमें तो कंपनी के बारे में है नहीं, कौन दिलाएगा हमें डीलरशिप, तो हर कंपनी का, हर सीमेंट कंपनी का हर एरिया में एक सेल्स ऑफिसर होता है, एक टेक्निकल ऑफिसर होता है। जो टेक्निकल ऑफिसर होता है ये साइड विजिट करता है, साइड विजिट मतलब जैसे आपके आसपास कोई घर बन रहा हो, उसके पूरे घर में 500 बोरी 1000 बोरी सीमेंट लगेगा, तो डायरेक्ट वो जाता है साइड विजिट करता है, बताता है कि हम इस अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से हैं, आपको ये सीमेंट लगाना चाहिए, देश का नंबर 1 सीमेंट, आप हमारे नियर रिटेलर या डीलर के पास जाओ, यहाँ से सीमेंट ले सकते हो। तो वहाँ पर आपका फ़ायदा होता है कि आपका जो एम्प्लॉई है कंपनी का वो आपके लिए भी काम करता है। और जो हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है तो वो क्या करता है, वो डीलरशिप और रिटेलरशिप वाला फॉर्म हुआ या फिर आपके ऑर्डर हुए कि आपको कितना सीमेंट का ऑर्डर लगाना है, या फिर आपका जो स्टेटमेंट हुआ, लेज़र हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी बिलिंग वगैरह सब कुछ देखता है, मतलब सीमेंट कंपनी से डायरेक्ट आपको जोड़ के रखता है कि कंपनी में आपका जो भी इंक्वायरी हो, जो भी चीज़ें हो, कंपनी तक बात पहुँचाता है और आपको सोल्यूशन भी दिलाता है। और टेक्निकल ऑफिसर आपके सीमेंट बिकवाएगा, और इस तरीके से दोनों में अंतर होता है, दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। अब हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कैसे करना है ये जान लेते हैं। इसके लिए एक तो आप डायरेक्ट कॉल करो, अगर आपको कहीं से नंबर मिलता है, नहीं मिलता है तो सबसे पहले आप गूगल में आओ, गूगल में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है सीधा सीधा अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट सर्च करो। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे ही सर्च करोगे तो एक ऑफिशियल साइट यहाँ पे, उस पर क्लिक कर दो और नीचे चले आओ, क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है गेट इन टच। अब यहाँ पे अपना नाम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, अपना फ़ोन नंबर डालोगे, अपना पिन कोड डालोगे, और फिर चूज़ योर कैटेगरी। कैटेगरी में ना हमें रिक्वेस्ट फॉर डीलरशिप और रिटेलरशिप में करना है, क्योंकि हमें डीलरशिप या रिटेलरशिप लेना है तो इसलिए रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद चूज़ योर सब कैटेगरी, अब सब कैटेगरी में हमें सीमेंट चूज करना है, तो हमें ना सीमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, अल्ट्राटेक बिल्डिंग सोल्यूशंस
होम एक्सपर्ट। इसमें क्या होता है, अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन होम एक्सपर्ट्स में क्या होता है, आपका जो दुकान है, जो आपका गोडाउन है, वो सब कंपनी अपने अकॉर्डिंग इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन करवाएगी, उसके लिए आपसे चार्ज लेगी, सिक्योरिटी मनी ज़्यादा जमा कराती है कंपनी इसके लिए। और सीमेंट तो इसमें रहेगा, सीमेंट तो आपको बेचना ही है, इसके अलावा पेंट भी बेचना है, इसके अलावा आपको पाइप भी बेचना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेचवाती है जो कंपनी इसमें बिल्डिंग सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें एक नए सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसका सिक्योरिटी मनी भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर डिटेल में अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, किसी को बिल्डिंग सॉल्यूशन का डीलर से डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है तो आप कमेंट कर देना, हम इस पर डिटेल में बात कर लेंगे। फिलहाल सीमेंट पे क्लिक करके अपना एड्रेस डाल देना, योर मैसेज डाल देना और सेंड इंक्वायरी पे क्लिक कर देना। 24 से 48 घंटे में एरिया सेल्स ऑफिसर आपको कॉल करेगा, आपको बताएगा कि 1-1.5 लाख रुपए की डीडी बनवा लो। अगर आप डीलरशिप ले रहे हो, रिटेलरशिप ले रहे हो, तो बताएगा 15,000 की आप डीडी बनवा लो। तो आपको डीलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप उनसे बात करना है, 1.5 लाख बोलता है तो कह दो सर 1 लाख में अरेंज कर दो, क्योंकि पूंजी फंस जाएगा ज़्यादा अगर 1.5 लाख देंगे तो। वैसे हो जाता है ज़्यादातर केसेस में, 1 लाख ही इसकी डीलरशिप की सिक्योरिटी मनी होती है ज़्यादातर केसेस में, वैसे 1.5 बताते हैं, 1 लाख में मान जाते हैं। अगर नहीं मानते, क्योंकि किसी किसी एरिया में ज़्यादा लगता ही लगता है, तो ज़्यादातर केसेस में 1 लाख में मान जाएंगे, तो 1 लाख का सिक्योरिटी मनी आपको लगेगा और ये डीडी के रूप में लेगा। जैसे कंपनी आपसे कैश नहीं लेगी 1 लाख रुपये, तो एरिया सेल्स ऑफिसर बताएगा आप डीडी जाके बैंक से रेडी करवा लो। तो आपको बैंक जाना है, वहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम से 1 लाख की डीडी बनवानी है, और अगर रिटेलर से पे रहे हो तो 15,000 की डीडी बनवानी होगा। और उसके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ, अगर कॉल नहीं करता तो क्या करना है, अगर 24 से 48 घंटे में आपको फ़ोन नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं आता, तो सीधा आओ इसके नीचे जहाँ फॉर्म भरे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस लोकेशंस, ऑफिस लोकेशंस पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, जिस भी राज्य से आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर दो। जैसे मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एरिया, जैसे मैं अयोध्या से हूँ तो मेरे नज़दीक फैज़ाबाद है, तो फैज़ाबाद में सेलेक्ट करके सर्च कर लिया। अब यहाँ पे लोकेशन आ गया फैज़ाबाद का, कि यहाँ यहाँ इसका ऑफिस है और इस लोकेशन पे हम जाके कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, वहाँ से एरिया सेल्स ऑफिसर का नंबर ले सकते हैं इनके ऑफिस से, या फिर आप यहाँ पे फ़ोन करो, फ़ोन करके कहो एरिया सेल्स ऑफिसर का हमारे इस एरिया में एरिया सेल्स ऑफिसर का नंबर दे दो, हमें डीलरशिप लेना है या रिटेलरशिप लेना है, तो कंपनी वाला आपको नंबर दे देगा ऑफिस वाला। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो कंपनी वाला, फिर आपको सेल्स ऑफिसर जो होगा वो बताएगा कि भैया 1 लाख का डीडी बनवाना है, डीडी बनवा लो बैंक से। फिर हाँ, आपका ईमेल आईडी एक होना चाहिए ईमेल आईडी पे, क्योंकि ना जितने भी बिल कटेंगे, जितने भी लेजर आएंगे, सब ईमेल आईडी पे आएगा, तो सही ईमेल आईडी लिखना, ईमेल आईडी पे ध्यान देना थोड़ा, ईमेल आईडी आपका सही होना चाहिए। तो आपका डीडी और डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो जाए तो आप कॉल कर दो एरिया सेल्स ऑफिसर पे कि भैया हमारा डीडी और डॉक्यूमेंट सारा रेडी हो गया, आप आपकी कलेक्ट कर लो, फॉर्मेलिटी सारा करवा लो, तो डीडी आपका कलेक्ट करने आ जाएगा 2-3 दिन में आपका जो एरिया सेल्स ऑफिसर है। तो डीडी जब कलेक्ट करेगा तो वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट वगैरह आपका देखेगा, चेक करेगा, उसके बाद एक डीलरशिप का फॉर्म लेके आया रहेगा। डीलरशिप का जो फॉर्म लाएगा वहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, डीलरशिप फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा, जैसे एसीसी लिमिटेड का फॉर्म है उसी तरीके से एसीसी लिमिटेड की जगह अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का फॉर्म रहेगा। तो ये फॉर्म आपको लेकर आएगा, सिग्नेचर विग्नेचर कराएगा, खुद भर लेगा वो फॉर्म आपको नहीं भरना है, और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करेगा और डीडी आपका अटैच करेगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, जब आप सिग्नेचर करोगे जो डीलरशिप फॉर्म है उस पर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ऊपर लिखा रहना चाहिए, जिस तरीके से एसीसी सीमेंट लिमिटेड इस तरीके से लिखा है ना, एसीसी वाला फॉर्म था, उसी तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड वाला भी फॉर्म रहेगा। तो इस तरीके से फॉर्म वॉर्म भर देना, भरेगा तो कंपनी वाला ही, बस आपको सिग्नेचर करना है और सारे फॉर्म को अटैच कर देना है। सारा अटैच हो जाएगा, सारा फॉर्म आपका रेडी हो जाएगा, फिर कंपनी वाला जो होगा डीलरशिप फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट आपके लेके चला जाएगा, डीडी लेके चला जाएगा, कैंसिल चेक लेकर चला जाएगा, और एक सादा चेक पे ध्यान देना, जब आएगा सादा चेक, जब आपसे मांगेगा तो सादे चेक पे सिग्नेचर करवाएगा, सिग्नेचर करवाएगा सादे चेक पे इस तरीके से, और ऊपर जहाँ पे लिखा रहेगा जैसे सिग्नेचर करना वहाँ पे लिख देना अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। यहीं पे फ्रॉड होता है, काफ़ी लोग सादा चेक दे देते हैं सिग्नेचर करके, तो वहाँ पे आपको लिखना है पे के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जिससे कोई अपना नाम भर के आपका चेक डायरेक्ट ना लगा पाए। तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वाला प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर सारा नत्थी करके लेकर चला जाएगा जो एरिया सेल्स ऑफिसर होगा, 4-5 दिन में फ़ोन करेगा कि आपका कोड खुल गया कंपनी में, फिर कंपनी में कोड खुल जाएगा, फिर आप ऑर्डर लगाना सीमेंट का कि भैया हमारा 500 बैग का एक, जितने बैग भी आपको स्टार्टिंग में मंगाना है 200 बैग 500 बैग का भेज दो सीमेंट, तो आपका 500 बैग 200 बैग का सीमेंट भेज देगा उसी कोड पे। फिर आपको आके एक बताएगा बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सब कुछ बताएगा कि यहाँ पैसे भिजवाना है इस पे, तो डायरेक्ट आपका पैसे भी डायरेक्ट होगा कंपनी में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के अलावा कहीं और पे पैसे मत भेजना, कभी भी आरटीजीएस करना, कुछ भी करना, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नाम पे ही करना अगर कंपनी में पैसा भेज रहे हो। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम हो गया, सब कुछ पता चल गया। अब हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा आपको। तो देखो, सिक्योरिटी के तौर पर अगर रिटेलरशिप ले रहे हो तो 15,000 और बस 15,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन अगर डीलरशिप ले रहे हो तो आपके पास कम से कम 1 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी के लिए और 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा रखने चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप डीलरशिप ले रहे हो तो
पास दुकानों को भी तो अपना सीमेंट बेचोगे, जो रिटेलर वाले दुकान रहेंगे उनको जब बेचोगे तो जो रिटेलर दुकान रहेंगे वो तुरंत पैसे भी नहीं देंगे, तो आपको तो कंपनी को तुरंत पैसे देना है क्योंकि आपको सी डी बचाना है, क्यू डी बचाना है, बहुत सारे पैसे बचते हैं स्कीम के थ्रू अगर आप एडवांस पेमेंट करते हो तो। वो उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे कोई आके मैसेज कर देना, तो सी डी बचाना क्यू डी बचाना, इसलिए आप कंपनी को डायरेक्ट पैसे भेज दोगे तो 2 लाख ये और 1 लाख रुपये आपके सिक्योरिटी मनी, 3 लाख रुपये मिनिमम आपके पास होने चाहिए अगर डीलरशिप ले रहे हो, रिटेलरशिप के लिए 15,000 आपके पास होने ही होनी चाहिए। अब मेन चीज़ है प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। प्रॉफिट मार्जिन में तो पहले क्या होता था, सीमेंट में अगर आप डीलरशिप ले रहे हो तो प्रॉफिट मार्जिन 30 से 35 रुपये 40 रुपये तक हो जाता है पूरे साल का मिला के, क्योंकि सीडी होता है, क्वार्टर डिस्काउंट होता है और भी सारे बहुत सारे स्कीम आती रहती है, तो 30 रुपये 40 रुपये तक आपका प्रॉफिट होता है इस बिज़नेस में। लेकिन अब क्या है, अगर आप होलसेल कर रहे हो तो 5 से 8 रुपये तक का प्रॉफिट मार्जिन होगा आपका अगर आप होलसेल कर रहे हो। अगर आप रिटेल कर रहे हो तो 10 रुपये से 15 रुपये तक का प्रॉफिट मार्जिन एक बोरी पे होता है, जो चीज़ जेन्युइन वो चीज़ें बता रहा हूँ। पहले ज़्यादा था, अब प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, कंपटीशन के दौर में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम तो होना लाजमी है ब्रांडेड कंपनी के सीमेंट में। मेजर प्लांट में प्रॉफिट मार्जिन कम ही होता है थोड़ा, अब पहले ज़्यादा होता था। मिनी प्लांट पे भी वीडियो बनाऊंगा, सीमेंट की क्वालिटी के ऊपर कुछ चीज़ें होती है मिनी प्लांट की ना, तो वो सारी चीज़ें पे वीडियो बनाऊंगा, वो अलग वीडियो रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और बचा रह गया, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का कितनी तरह का सीमेंट आता है। तो बेसिकली एक नॉर्मल बैग में आता है इस तरीके से, एक पेपर बैग में आता है हिंदी में अल्ट्राटेक लिखा रहेगा, एक अल्ट्राटेक सुपर आता है और एक अल्ट्राटेक वेदर प्लस आता है। 4 तरह के सीमेंट आते हैं अल्ट्राटेक के, आप देख लो ये 4 सीमेंट है, 4 की क्वालिटी के बारे में जानना है तो एक नया वीडियो आ जाएगा। अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट कर देना कौन सा सीमेंट आपको लगवाना है, कौन सा सीमेंट आप बेचे, कौन से सीमेंट की क्वालिटी कैसी है, सब कुछ बता देंगे एक नए वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, और डीलरशिप का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप बस कमेंट कर देना, हम नए वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारे सारे पॉइंट ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट था डीलरशिप और रिटेलरशिप कैसे लेते हैं, पूरा स्टेप मैंने बता दिया। फिर एरिया कितनी होनी चाहिए, एरिया भी बता दिया। फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कॉन्टैक्ट कैसे कंपनी से करोगे ये भी बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दिया, डॉक्यूमेंट भी बता दिया, और फिर प्रॉफिट मार्जिन भी बता दिया। हर एक चीज़ मैंने बता दिया सीमेंट डीलरशिप के बारे में, यानी अल्ट्राटेक सीमेंट की डीलरशिप के बारे में और रिटेलरशिप के बारे में ऑलमोस्ट बता दिया सारी चीज़ें। वैसे ये हमारा सीमेंट बिजनेस सीरीज का 4th वीडियो है, इसके बाद 5th वीडियो कौन सा आए, अंबुजा पे आए या फिर डालमिया पे आए, कौन से कंपनी पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो आप कमेंट कर देना। तो यार सारी चीज़ों का ध्यान देना, ऑल द बेस्ट अगर आप सीमेंट डीलरशिप या रिटेलरशिप बिजनेस शुरू कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होंगी दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।